series combination. In this combinations, the resistors are joined such that the second end of this first resistor R1 is connected with the first end of second resistor, and so on. Here, when a number of resistors, two or more than two resistors connected in series, then जब हम दो या दो से अधिक रजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करते हैं तो इन दैट केस क्या होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट फ्लोस इन ऑल आर रजिस्टर्स, मीन्स जितने भी रजिस्टर लगाए होंगे उनमें से क्या होगा, सेम करंट फ्लो करेगा. और सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट. पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट मीन्स जब हम दो या दो से अधिक रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, करंट जो है, मान लो इस सर्किट में, इस कॉम्बिनेशन में, इस जो ये सर्किट अरेंजमेंट है इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो जो रजिस्टर आर वन है, आर टू है, आर थ्री, इन तीनों में से सेम करंट फ्लो करेगा. बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो आपके पास डिफरेंट होगा. मान लो ये बैटरी जो है हमने लगाई हुई है, इसका पोटेंशियल बी है, तो जो आपके पास इसके बीच में, मान लेते हैं कि हमारे पास जो इन तीनों रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है, वी. इसके क्रॉस क्या है, जो पोटेंशियल है वो क्या है हमारे पास, वी. क्लियर. अभी यहाँ पे हमने ये लगा दिया वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में, ठीक है. अगर तीनों रजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल वी है तो मैंने आपको क्या बताया कि जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है फॉर ईच रजिस्टर. जितने भी रजिस्टर आपने लगाए हुए हैं, फर्स्ट रजिस्टर जो है उसके अक्रॉस मान लो पोटेंशियल वी वन है, सेकंड के अक्रॉस वी टू है, और थर्ड के अक्रॉस क्या हो जाएगा, वी थ्री. ठीक है. इट मीन्स दैट द पोटेंशियल, इट इज़ द सम ऑफ द पोटेंशियल वी वन, वी टू एंड वी थ्री. ठीक है. दिस इज क्वेश्चन नंबर वन. नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वी इज इक्वल टू आर आई. ठीक है. वी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आर आई के बराबर होता है. तो हमारे पास जो रजिस्टर आर वन है इसके थ्रू जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल हम वी वन लिया है, हमने वी इज इक्वल टू रजिस्टेंस फर्स्ट रजिस्टर की आर वन है तो आई. ठीक है. सेकेंड में से क्या हो जाएगा, सेकेंड रजिस्टर में से पोटेंशियल, तो वी टू इज इक्वल टू आर टू आई, और थर्ड वन में से वी थ्री इज इक्वल टू आर थ्री आई. ठीक है. जो ये सारी वैल्यू है, दिस इज मान लो ये क्वेश्चन टू है, इस सभी ये वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है आपने क्वेश्चन वन में. यूज ओकेशन टू इन ओकेशन वन वी गेट, इसमें भर दो अभी आपके पास. तो वी की जगह हमने भर दिया, वी इज इक्वल टू आर आई होता है, तो आर आई इक्वल टू आर वन आई, आर टू आई, आर थ्री आई. ठीक है. इस तरह से आप हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों में कॉमन आई है तो आई कॉमन निकाल लेंगे. वी हैव लेफ्ट विद आर वन, आर टू एंड आर थ्री. आई के साथ आई कैंसिल हो जाएगा, एंड रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी लिखते हैं हम इसको रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये किसके बराबर हो जाएगी, या रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. अगर इफ देयर आर एन नंबर ऑफ रजिस्टर आर जॉइंट्स देन द रेजिस्टेंस आर अप टू सो ऑन एन तक हो जाएगा.